मुझे तुम्हारे इरादे अच्छे नजर नहीं आ रहे। इरादे तो मेरे कभी भी अच्छे नहीं थे। तुम्हें देखने के बाद तो अच्छे अच्छों के इरादे बदल जाते हैं, और फिर मैं तो तुम्हारा आशिक, दीवाना, मजनू, फरहाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लो केक काटो। राहुल तुम्हें इंजीनियर किसने बना दिया? तुम्हें तो एक शायर होना चाहिए था। मादाम जो हुस्न के पुजारी होते हैं उन्हें शायरी आ ही जाती है, इसमें मेरी क्या खता है? क्योंकि दिल तो पागल है और इस पागल दिल में कुछ कुछ होता है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। Yes, इसीलिए तो कहता हूँ कुछ बात मत करो। Don't waste time and cut the cake, please. Hey, happy birthday to you. Happy birthday to Sapna. A very happy birthday to you. Thank you. God bless you. पता है सपना? राहुल, तुम इस तरह से मेरी आंखों को देखते रहे तो मुझे नजर लग जाएगी और मेरी आंखों को कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारी इन आंखों को सपना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम हमारी जान हो और इस जान की जान को कुछ नहीं हो सकता। अरे चलो, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन, वी हैव गॉट टू डाइन टुगेदर, कम ऑन, चलो। Happy birthday to Sapna. चले छैया 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 छैया, चले छैया छैया छैया। टू मच, दिस टू मच। मैंने राहुल से कहा था कि 10 बजे तक फाइल ले आना। अब देखिए 10:45 बज रहे हैं, अब तक नहीं आया। जब फाइल ही नहीं है तो मीटिंग में जाने से फायदा क्या? ये राहुल को क्या हो गया? हुआ क्या? हमने अपनी कंपनी में जरा सा मान क्या दे दिया? साला भाव खाने लगा। आने दो उसे, आज उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। देखो कपूर, राहुल के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। कहूंगा तो क्या कर लेगा तू? कह के बताऊं या करके दिखाऊं? ये बात है। हाँ। क्या बात है, वाह वाह। आइए चौधरी साहब। फाइव स्टार ग्रुप के हम हैं फाइव स्टार, जब जब मिले कर दें चमत्कार, और तुम लोग चमत्कार करने के बजाय आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। देखिए ना चौधरी साहब, कपूर बात ही कुछ लड़ने वाली कर रहा है। ये राहुल फाइल लाने में जानबूझकर थोड़ी देर कर रहा है। बिल्कुल नहीं, राहुल के लेट आने के पीछे कोई और वजह होगी। हमारी कंपनी में सिर्फ राहुल ही एक ऐसा नौजवान है
जिसकी काबिलियत और वक्त की पाबंदी पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। और हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि राहुल की काबिलियत की वजह से हमारी कंपनी ने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की है। देखते जाइए, वो यूं आता ही होगा। मुझे लगता है ये टेंडर गया अपने हाथ से, लेकिन अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं। राहुल को तो मैं भी मानता हूँ चौधरी साहब, लेकिन आज की मीटिंग में लेट भी तो राहुल की वजह से हो रहे हैं, और अगर आज का ये टेंडर हमारे हाथ से निकल गया तो हमें फायदा नहीं होगा। लेकिन नुकसान उनका होगा जो हमें टेंडर्स नहीं देंगे। जरूर होगा सर। वैसे आज तक जितने भी टेंडर्स मिले हैं सिर्फ हमारी कंपनी को ही तो मिले हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारा इंतजार करेंगे। जरूर करेंगे सर। लेकिन राहुल को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। राहुल हाजिर है सर, देर से आने के लिए माजरत चाहूंगा सर, लेकिन क्या करता, ऑफिस खुला ही नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना कि राहुल के लेट आने की वजह कोई और होगी। ये लीजिए सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू सर। अच्छा राहुल, अपनी शादी की मिठाई का खिला रहे हो? सर आपको ये जानकर खुशी होगी कि सपना की माँ ने आज ही पंडित को बुलवाया है, और देखते हैं मुहूर्त कब का निकलता है। मुहूर्त तो तुम निकलवा लो, वो एक पुरानी कहावत है ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जी आइए सर। क्या बात है अजी, दोनों की कुंडली तो बहुत अच्छी है, पर बेटी की कुंडली में एक ग्रह छाया हुआ है। पंडित जी कौन सा ग्रह है? शनि की छाया है, कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। तुम नहीं सुधरोगी। छोड़ो ना मेरा कान। सपना तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं ड्यूटी पर रहा करूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज। हर वक्त ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, कभी तो ब्यूटी पर ध्यान दिया करो। ये ड्यूटी मेरी ब्यूटी के लिए। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि बॉसेस मुझ पर कितना एतमाद करते हैं, कितना यकीन करते हैं, और मैं उनके एतमाद को यूं ठेस नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने पांचों बॉसेस से बहुत प्यार करते हो ना? ऑफ कोर्स, प्यार ही नहीं उनकी इज्जत भी करता हूं श्रद्धा पूर्वक, और अगर जरूरत आन पड़े तो उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूं। तो फिर मेरी क्या जरूरत है? जाओ ना अपने पांचों बॉसों के पास और उन्हीं से शादी कर लो। हां, व्हाट अ फैंटास्टिक आईडिया। अरे तुम कहां थी अब तक? लेकिन पांचों से एक साथ कैसे शादी कर लूं? तुम तो मुझे द्रौपदी बनाने पे तुली भी हो। लेकिन उनकी बेटियां तो होंगी। हाँ, उनसे शादी कर लूंगा। थैंक्स थैंक्स। अच्छा मैं चलती हूँ, शादी मुबारक हो। थैंक यू। छोड़ो ना मेरा हाथ। ये हाथ तो मेरी जिंदगी का साथ है, इसे कैसे छोड़ दूं जाने मन। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। सन्नो, ए, ए, सन्नो रानी, तुहार दिमाग का जवाब नहीं। अरे तुमके कैसे मालूम कि मैं आने वाला हूँ? बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया। ए, 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 वैसे कैसे आना हुआ मेरे राजा? ए, ए, राजा बजा दिया तूने मेरे दिल का बाजा। सन्नो रानी एक बार और कहना। अच्छा एक बार और कहना मेरे को। सैया सैया। अच्छा मेरे भैया। नहीं सैया। देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया। क्या क्या क्या? चूड़ियाँ। तेरे वास्ते लेके आया। अपने हाथों से पहना देना मुझे। अरे देना, तेरे नाजुक नाजुक हाथ तो लेना। नहीं हमारा दिल है, देखो देखो टूटे ना। कैसी लगी? बहुत सुंदर। चल अभी बस हुआ निकल ले, अब मेरे बापू आने का टाइम हो गया है। ओए भगवान, बुढ़ऊ खुसट कब इस दुनिया से जाएगा, और कब ये आदमी बारात लेकर इस घर में आएगा। मैं चलता हूँ सनोर। हाँ, हाँ, हाँ। मैं कल फिर आऊंगा इसी टाइम। सनो, शीशी भरी गुलाब की पोथोर पे तोड़ेगा, शीशी भरी गुलाब की पोथोर पे तोड़ेगा। अगर तुम हमको मिलेगा ना तो कोलकाता छोड़ेगा। अरे कितना सुंदर है, तुम्हारा दादा दिया है? दादा? वो दादा नहीं, मैंने तुम्हारा भाई दिया है। हाँ ये मेरे भाई ने दिया है। वैसे तुम क्या लाए हो मेरे लिए भाई जान? इना चोलबे, इना चोलबे। तुम हमारे दिल पे ऑटो कर दिया है। देखो हमको भाव से हटाओ, जान बोलो, जानू बोलो, प्यार बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा। अच्छा जानू चलेगा? दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा।
तो जानू तुम क्या लाए हो मेरे लिए? हम अरे हम तो तुम्हारे लिए कोलकाता का हावड़ा ब्रिज लाना मांगता, किंतु की करेगा अभी हम तुम्हारे लिए पहना दो ना। हम की आनंदो अभी पहनना पड़ा ओडली चुनाड़िया हमारा नाम का ओडली अभी पहना दिया ना? नहीं अभी दिल नहीं बोला है, अभी हम एक बार और पहनाएगा ओडली चुनरिया। देखो अभी ऐसे है ना, अभी ना मेरे बापू के आने का टाइम हो गया, तो ना तुम ना अभी चले जाओ। बापू इसको तो हम गोली मारेगा, हम इसको बम मारेगा, इसको शेष कर फेलेगा। जानू हम चाहता है हम बम का जुगाड़ करता है और तुम्हारा बापू को बम से मारेगा, बम से मारेगा। अरे जॉब आज दीदी बॉम्बिंग पे नहीं गया क्या? अरे अपन उधर ही से तो आ रहे हैं। मैं शन्नू डार्लिंग, माय गॉड क्या ब्यूटीफुल लगता है आज तुम, माय गॉड। वो तो मैं बचपन से ही हूँ। बचपन से हाँ वो तो मजा तुमको आ जाए। चो 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 चूड़िया किसने दी? चुड़िया चुड़िया तो मुझे वो किशन है ना, उसने मुझे मुझे अपने हाथों से बनाई। उसे दी और बनाई नहीं? हाँ। और ये दुपट्टा किसने दिया? दुपट्टा दुपट्टा मुझे चाचर जी ने दिया और अपने हाथों से पहनाया। उसे भी तुमको डार्लिंग अपुन ने तुम्हारे वास्ते कुछ लाया है, अगर तुम कहो तो अपुन ने तुमको पहना दो ना। कैसा है पहनो? कैसा है? अच्छा है। राहुल कैसा काम चल रहा है? अरे सर आप और इस वक्त यहाँ आइए बैठिए प्लीज। मुझे मालूम था कि तुम्हें तो नींद आती नहीं और तुमने साथ साथ मेरी भी नींद हराम कर दी। इस नाचीज की क्या मजाल सर, क्या आपकी नींद हराम कर दे। वैसे मैंने तो हमेशा यही चाहा है सर कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। मुझे मालूम है राहुल तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो और तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस बहुत ऊपर उठ गया है, चार चांद लग गए और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। गुस्ताखी माफ करें सर, लेकिन फौलादी जिगर वालों के हौसले यूं पस्त नहीं हुआ करते। तुम नहीं सुधरोगे। मैं जानता था तुम रात भर काम करते रहोगे और यहीं सो जाओगे, इसीलिए तुम्हारा खाना लेकर आया था। जॉन खाना रख दो इधर। अरे इसकी क्या जरूरत थी सर, आप बिलावजह जहमत कर रहे हैं सर। चुप और चुपचाप खाना खा लेना, समझे? ओके सर। राहुल मैं सोचता हूँ तुम्हें अपने साथ लेकर मैंने गलती नहीं की, तुम सोना हो खरा सोना। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है अब मैं चलता हूँ। आप जा रहे हैं सर? गुड नाइट सर। गुड नाइट एंड टेक केयर। आई विल एंड या थैंक्स फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस सर, थैंक्स अ लॉट। खाना खा लेना। गुड नाइट सर। गुड नाइट। चलो मेरा फाइव स्टार ग्रुप वालों के साथ जमीन का सौदा तय हो गया है और वो भी पूरे 50 लाख रुपए में। लेकिन तू फाइव स्टार ग्रुप के बारे में जानता क्या है? ओहो भाई उनके बारे में जानकर मुझे क्या करना है, बस जमीन उनके नाम लिखनी है बस। फिर भी अख्तर मेरे भाई जो भी करना सोच समझ कर करना। भाई उन पैसों से मैं बिजनेस शुरू करूंगा और देखना एक दिन जरूर मैं आसमान की बुलंदी को छूंगा, और इसीलिए तो मैं 15 दिनों के लिए फॉरेन जा रहा हूँ। तू फॉरेन जा रहा है? हाँ। मुझे अकेला छोड़ के? भाई बस यूं गया और यूं आया। तेरी मौत बेकार नहीं जाएगी मेरे भाई, उस फाइव स्टार ग्रुप से तेरी मौत का मैं बदला जरूर लूंगा, उन कमीनों के सितारे जो आज आसमान को छू रहे हैं मैं उनको एक एक करके मिट्टी में मिला दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाह वाह, राहुल ने वाकई काबिले तारीफ काम किया है। मगर ये फाइव स्टार बनेगा कहाँ और कैसे? वो साले झोपड़ पट्टी वाले भारत नगर खाली करने को तैयार ही नहीं होते। सक्सेना जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता
दो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दूसरों की कब्रों पर इमारत बनाने के सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। कौन हो तुम और यहाँ तुम्हारे आने का क्या मतलब? तुम्हारी मौत है? अख्तर का भाई जावेद। ओ, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे भाई का सारा पैसा लूट कर किसी ने उसका मर्डर कर दिया। अच्छा, तो अब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है? हा? हम बिल्ली नहीं, शेर हैं। शेर गीदड़ अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं हो जाता। और मुझे मालूम है कि तुम 5 आदमियों ने मिलकर मेरे भाई का खून किया है और तुम सबसे एक एक करके मैं बदला लूंगा। तो क्या समझता है हम तेरी गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे? अरे जब तक हमें धमकी नहीं मिलती तब तक हमें नींद नहीं आती। नींद जावेद गरजता ही नहीं है, परसना भी जानता है। और तुम्हारे जो ये 5 स्टार ग्रुप के सितारे चमक रहे हैं ना, इनको एक एक करके मैं कैसे मिट्टी में मिलाता हूं अब ये देख। और हाँ, इट इज माई चैलेंज। चैलेंज, चैलेंज। अब क्या करें? करना क्या है? चौधरी साहब को फोन करके बताता हूं अभी। हेलो चौधरी साहब, मैं तेजपाल बोल रहा हूं। हाँ लगे। शोर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग चटर्जी भाई। मेरी मॉर्निंग तो ठीक है, तुम्हारी मॉर्निंग का क्या हाल है? हमारा मॉर्निंग, हम समझो नहीं सर। मेरा मतलब वो शन्नो के साथ जो तुम्हारा चक्कर कर चल रहा था ना। कि उसने हमको एक बार देख के घायल कर दिया। उसने हमको एक बार देख के घायल कर दिया। हम बार बार हजार बार देख के भी कुछ नहीं कर सका। हम बहुत हार्ड वर्किंग करता है। इतना हार्ड भी मत करो यार। नहीं नहीं, हम बहुत ट्राई करता है मगर कुछ नहीं होता है। आप कुछ दुआ करो ना। मैं दुआ करूंगा तो मेरे साथ चक्कर नहीं चल जाएगा? नहीं, इना चुलवे सर, आप हमारे लिए दुआ करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ कपूर साहब कहाँ हैं? कपूर साहब, हम इधर 1 घंटा से खड़ा है, हम तो नहीं देखा है। हो सकता है कि वो घोर में होगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अरे बाहर उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, 1 घंटा पहले उन्होंने मुझे फोन करके यहाँ बुलवाया। पता नहीं क्या करते रहते हो, कहाँ खोए रहते हो, कहाँ सोए रहते हो। शोर, माफ करना, अब हम न सोएगा न खोएगा, अब हम ड्यूटी करेगा और ड्यूटी के बाद शन्नो के बारे में सोचेगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ओके। ये बोलता है, अरे हम चोटर जी, हमारे सामने एक पुरिंदा पोर नहीं मार सकता। ये क्या पुरिंदा? मैं कम इन सर। ए मैडम, तुम इधर क्या देख रही हो? मुझसे पूछो इसे किसने मारा है, मुझसे पूछो इसे किसने मारा है। जावेद ने मारा है इसे, जावेद ने मारा है इसको। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर सर, जस्ट रिलैक्स प्लीज, मेरी बात सुन। क्या रिलैक्स, क्या रिलैक्स? मेरे दोस्त मेरे भाई को मार डाला, क्या रिलैक्स? यहां ढूंढे से कुछ नहीं मिलेगा। जाओ जाओ वहां, जाओ बाहर, देखो जावेद वही कातिल है, वही कातिल है, वही कातिल है। देखो मिस्टर, हमें हमारा काम मत समझाइए, हम अपना काम बखूबी जानते हैं। तुम मुझे नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानती। रुक रुक, सर सर, उस जावेद भड़वे ने कपूर को मार डाला। सर सर, कपूर को मार डाला उस जावेद भड़वे ने। 5 स्टार ग्रुप में से एक स्टार कम हो गया। हाँ सर,
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। पागलों जैसी बातें मत करो। हाँ सर, यहाँ पुलिस आई हुई है लेकिन कुछ करने वाली नहीं है, आप कुछ कीजिए सर वरना मैं उसे मार डालूंगा। तुम प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रम से ये कहो कि हमने उसे याद किया है। ठीक है सर। हेलो मिस्टर विक्रम। यस सर, 7 जोहो विले पार्ले स्कीम। ओके सर, मैं भी विक्रम जी को कांटेक्ट करती हूँ, हम लोग वहाँ भी पहुँचते हैं। ओके सर। पता नहीं विक्रम जी कहाँ होंगे। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। एक मिनट किरण, लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ओह, तो तुम यहाँ भी आ पहुँचे। मेरी कार्यवाही पूरी हो चुकी है, मैं एक मिनट भी यहाँ रुकने वाली नहीं। तुम क्या तुम्हारे अच्छे अच्छे यहाँ रुकेंगे। ये मिस्टर विक्रम, द ग्रेट डिटेक्टिव, जो काम तुम लोग नहीं कर पाते हो वो ये करके दिखा देते हैं। और आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप बाहर जा सकती हैं। मिस्टर सक्सेना, आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। बोलता ही नहीं, करता भी हूँ। प्लीज सक्सेना साहब, रिलैक्स प्लीज। मिस किरण, मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। ओके, सोना मुना। का है, 17 साल पुराना। What? यहाँ पर सबसे पहले लाश को किसने देखा? जी मैंने सर। आप कौन? सर, I'm राहुल, इस 5 स्टार ग्रुप का मैनेजर भी हूँ और इंजीनियर भी। ठीक है मिस्टर राहुल, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ओके सर। मिस्टर सक्सेना जी, आप मुझे इस लॉटरी और इश्तेहार के बारे में कुछ बताइए। लॉटरी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इश्तेहार के बारे में जानता हूँ। ये मेरे ऑफिस के बोर्ड पे लगा हुआ था, चोरी हो गया 5-6 दिन पहले। और कुछ चोरी हुआ था आपका? नहीं, इसकी रिपोर्ट हमने पुलिस में लिखवा दी। सर मुझे कुछ आपसे कहना है। बोलो। सर अगर ये टिकट 83 का है तो मुझे लगता है कोई पुरानी दुश्मनी है। राइट। हमारी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, और ना ही हमने कोई लॉटरी खरीदी। हाँ, ये काम जावेद का हो सकता है। ये जावेद कौन है? अख्तर, जिसे मैंने जमीन खरीदी थी, उसका भाई। मिस्टर विक्रम, मेरे ख्याल से 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। ठीक है सोना, तुम बाहर जाकर वॉचमैन को बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मिस्टर राहुल, आप यहीं रुकिएगा, मुझे आपसे भी कुछ बात करना है। ओके सर। मिस किरण, आप अपना काम कर सकती हैं। थैंक यू। मिस्टर राहुल, सबसे पहले कपूर की लाश को आपने देखा? जी हाँ ऑफिसर, सुबह सुबह मुझे फोन आया और जैसे मैं वहां पहुंचा तो द साइट वाज अनबिलीवेबल। हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि कपूर का खून कोई 6-7 घंटे पहले हुआ था। मिस्टर राहुल, आप यकीन से कह सकते हैं कि जो फोन आपको आया था वो कपूर साहब का ही था? ऑफ कोर्स ऑफिसर, मैं 3 साल से मुसलसल उनके साथ काम कर रहा हूँ और मैं उनकी हर हरकत को पहचानता हूँ। ठीक है, अच्छा उस वक्त और कौन कौन ऑफिस में थे? ओनली चटर्जी। हम आपको छू के कोसम खाता है, हम जो भी बोलेगा सोच बोलेगा, सोच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, हम 7:30 बजे वहां पहुंचा और 1 घंटे के बाद में राहुल साहब आया और होम से कपूर साहब के बारे में पूछा और उंदर चलो गया। बाद में हमको मालूम पड़ा कपूर साहब का मोटर हो गया है। देखो चटर्जी, तुमसे जितना पूछना उतना ही जवाब दो। वो क्या है सर, हम भी एक टू जासूसी किताब पढ़ता है, हमको मालूम आगे आप क्या पूछेगा, इसलिए हम सब आगे से बोल दिया है। ये हंसना बंद करो चटर्जी, ये सक्सेना कुछ अजीब टाइप का आदमी है क्या? अरे बाबा हाँ, भीषण अजीब आदमी है, बात बात में गुस्सा करता है, हमसे छोटा सा भी गलती हो जाए तो बोलता है गोली मार देगा। ये पांचों दोस्तों के आपस में रिलेशन कैसे थे? शोर, हम इधर 7 साल से नौकरी करता है, पांचों दोस्तों में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, मगर कुछ दिन आगे पांचों में खूब किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, वो हमको नहीं मालूम। कुछ तो मालूम है, झगड़ा किस बात के लिए हुआ? शोर, हमको कुछ नहीं मालूम, आपको अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो आप सक्सेना साहब से जाकर पूछो। हाँ ठीक है, सक्सेना से मिलता हूँ।
तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? राहुल और खूनी, वो हमारे लिए जान तो दे सकता है, जान ले नहीं सकता। शायद वो तुम लोगों को धोखे में रख रहा हो। अगर उसे मारना होता तो हमें कब का मार चुका होता। हम कई बार उसके साथ हिल स्टेशन भी जा चुके, और हाँ, एक बार तो उसने तेजपाल की जान भी बचाई, फिर वो खूनी कैसे हो सकता। खैर छोड़िए, सुना है मैंने आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ थोड़ा सा पागल हूँ, इसलिए गुस्सा जल्दी आता है। कुछ दिनों पहले आप पांचों पार्टनर में झगड़ा हुआ था, वो किस बात के लिए हुआ था? भाई हम सब पार्टनर हैं, झगड़ा तो होता ही रहेगा। फिर भी आपको अगर झगड़े के बारे में कुछ जानना है तो आप चौधरी साहब से पूछ सकते हैं। चौधरी साहब कब आ रहे हैं? चौधरी साहब कल सुबह की फ्लाइट से। डिटेक्टिव विक्रम, ये कातिल कुछ पागल सा लगता है। 83 की लॉटरी का टिकट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये बात मजाक नहीं है। आप गौर से देखिए, इस स्टार के बीच में खून से के लिखा हुआ है। के लिखा है? के फॉर कपूर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपके ऑफिस से 5 स्टार्स चोरी हुए थे। 5 स्टार्स का मतलब है 5 पार्टनर। शायद कातिल आप पांचों पार्टनर को मारना चाहता हो। यू आर राइट मिस्टर विक्रम, अब आपको ये पता चलाना है कि असली कातिल कौन है। वैसे ये जावेद जो है ना, ये बहुत ही सरफिरा आदमी है। इसने हम पांचों को मारने की धमकी दी है, और जो ये कहता है वो करके दिखाता है। जावेद कहाँ मिलेगा? डैडी। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? आपने कैसा ड्राइवर रखा है, उसको ड्राइविंग भी करनी नहीं आती, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। बहुत अच्छा किया, अब हम उसकी जगह तेरी पसंद का ड्राइवर रख लेंगे, ठीक है? डैडी अब कोई ड्राइवर नहीं रखेंगे, गाड़ी मैं खुद चलाऊंगी। बहुत अच्छा करोगी। मिस्टर विक्रम, ये है मेरी बेटी राखी। मिस्टर विक्रम, आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो केस को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। सच पूछिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नाइस टू मीट यू। मी टू। ओके डैडी, बाय बाय। बाय बेटे, बाय बाय। आपने बताया नहीं सर कि जावेद इस वक्त कहाँ मिलेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में, वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, रोज जाता है उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने, उस वीरान कब्रस्तान में। कब्रस्तान में? छोटे, तेरे 5 कातिलों में से आज एक अल्लाह को प्यारा हो गया, और अब बाकी बचे 4। और बाकी बचे हैं 4, उनका खून कैसे करना है यही सोच रहे हो ना मिस्टर जावेद? ओह, फेमस डिटेक्टिव मिस्टर विक्रम, तो कपूर मर्डर केस की इंक्वायरी आप ही कर रहे हैं? यस। और शायद इसी सिलसिले में आप मुझसे बात करने आए हैं। बात तो एक बहाना था आपसे मुलाकात का। चौधरी साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, आपने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, और जैसा आप बोलते हो वैसा आप करते हो, ऐसा लोगों से मैंने सुना है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मिस्टर जावेद, क्या मैं जान सकता हूँ कि जिस दिन कपूर का मर्डर हुआ उस दिन आप कहाँ थे? हिंदुस्तान में। मेरा कहने का मतलब, उस वक्त आप किस जगह और किसके साथ थे? हेलो कमिश्नर साहब। हाँ, मेरा एक दोस्त आपसे कुछ बात करना चाहता है, एक मिनट। हेलो सर, मैं डिटेक्टिव विक्रम बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ जानना चाहता था सर, कि 15 दिसंबर को जावेद आपके साथ था? आपके साथ था? ओके सर, थैंक यू सर। इंतजाम तो बहुत अच्छा था मिस्टर जावेद। कातिल कितना भी चालाक हो, कितना भी चतुर हो, वो कुछ न कुछ सबूत तो छोड़ ही जाता है। ठीक है, तो आप सबूत ढूंढिए और मैं अपना काम करता हूं।
तुमसे प्यार कर, गुलशन को तू प्यार कर, धड़कन को तू प्यार कर, गुलशन को तू प्यार कर, धड़कन को तू प्यार कर, आग का दरिया पार कर फिर तू मुझसे प्यार कर, गुलशन को तू प्यार कर, धड़कन को तू प्यार कर। जूली आप चल के आइए। हाँ आप चल के आइए, आइए मेरे पास आइए। ये आपके जो बाल है ना, वेरी गुड, यहाँ बैठिए बैठिए। पता है आपको इस फिल्म की हलाय क्या है, बनाई है आप मेरे लिए। अरे जूली जूली सुनो तो, जूली सुनो तो, जूली तुम इसको चेक करो। सर वहां पे लाश है। क्या सर, वो
वो देखिए स्टार और लॉटरी का टिकट। लगता है कपूर का खून जिसने किया होगा ये खून भी उसी ने किया होगा। राइट, लेकिन तुम लाश को हाथ मत लगा रहा। वो पागल इंस्पेक्टर किरण अभी आती होगी। सर ये पर्स उस लड़की का है जो कि कांदीवली में रहती है। इसमें से मैंने उसका सब अता पता मालूम कर लिया है। नाम क्या उसका? जूली है मेरा नाम सर। तुम गुप्ता जी के रेस्टोरेंट पे गई थी? गुप्ता जी कौन सर? ओ, लगता है तुमने सुबह का अखबार पढ़ लिया है। सर मैं पढ़ना नहीं जानती। ओ इसको पहचानती हो? यस सर। सर अब मैं आपको सब सच बता रही हूँ। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मुझे गुप्ता जी ने हीरोइन बनाने का वादा किया था। मैं वहाँ गई भी थी सर, पर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, इसलिए मैं वहाँ से भाग निकली थी। तुम वहाँ से भाग गया, तुमने खून कर दिया। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया? अच्छा तुमने और किसी को देखा था वहाँ पर? नहीं सर, मैंने वहाँ किसी को भी पलट कर नहीं देखा। वहाँ पर क्या हुआ मैं नहीं जानती। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू। ओके सोना, तुम जाकर पता लगाओ कि राहुल इस वक्त कहाँ पर है। अरे तुम क्यों सीरियस हो गई? हाँ अरे यार, मेरी जिंदगी में तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं रोज होती रहती हैं। हाँ कम ऑन यार, कम ऑन। तुम यही ठहरो, मैं भी आता हूँ। मोना तुम यही ठहरो। आओ मिस्टर विक्रम। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूं? ये जरूरी तो नहीं मिस्टर विक्रम कि सिर्फ डिटेक्टिव्स ही दानिशमंद कहलाएं, या फिर यूं कह सकते हो कि सिर्फ डिटेक्टिव्स के पास ही दिमाग होता है। ये तो मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। मिस्टर राहुल, मैं ये पूछ सकता हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो? दुनिया का कोई भी कानून मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता मिस्टर विक्रम, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं जवाब जरूर दूंगा। क्या आपके कानूनी किताब में अपनी ही इमारत को तामीर करना कोई जुर्म है? मुझे पता है कि आज से 18 साल पहले तुम्हारे माता पिता का खून हो गया था और तुम अनाथ हो गए थे। कम टू द पॉइंट मिस्टर विक्रम, इस तरह से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जो कुछ कहना है साफ कहिए। मैं कहना कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि कहीं तुम्हारे माता पिता के खून में उस फाइव स्टार्स ग्रुप का हाथ तो नहीं। लगता है मिस्टर विक्रम आपने फाइल का सिर्फ पहला वर्क पढ़ा है। अगर आपने पूरी फाइल पढ़ी होती तो शायद आपको अच्छी तरह मालूम होता मेरे माता पिता का वो खून पकड़ा भी गया और उसे फांसी भी हो गई। मिस्टर राहुल, विक्रम को पहले आखिरी पन्ना पढ़ने की आदत है। वो पीछे से आगे जाता है, उसे आगे से पीछे जाने की आदत नहीं। ये तो अच्छी आदत है मिस्टर विक्रम। क्या आप पीछे से आगे जाते हैं? आगे से पीछे नहीं जाते, तब तो आप कातिल तक अब तक पहुंच चुके होंगे। मुझे कातिल को ढूंढने की जरूरत नहीं, कातिल तो मेरे पास ही है। मिस्टर राहुल, एक बात पूछ सकता हूँ? व्हाई नॉट मिस्टर विक्रम। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी स्कूल में जब भी टीचर मुझसे कोई सवाल किया करते थे तो आई यूज्ड टू फील सिंपली ऑनर्ड टू आंसर इट। तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो चेले की तरह जवाब देना। सक्सेना और कपूर की लाश को दोनों बार तुमने ही देखा था ना? मिस्टर विक्रम एक राज की बात बताऊं, वो दोनों खून भी मैंने किए थे और उसके बाद मैंने समा बांधना शुरू कर दिया। लोगों में आवाज फैला दी, खून हो गया, खून हो गया, खून हो गया। लोग गिरफ्तार कर लो मुझे, पकड़ लो मुझे, कर सकते हो? Damn it. Then why all this? इस तरह से आप अपना और मेरा भी कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। चाहिए जाकर सबूत ढूंढिए, चाहिए। विक्रम को सबूत ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो कातिल का चेहरा देखकर ही पहचान लेता है। गुड बाय मिस्टर राहुल। सोना, जैसा मैंने समझाया वैसा ही करना, ओके? ओके। और मोना, यस सर, तुम मुझे हर बात की खबर मोबाइल पे देना, ओके? ओके सर। ठीक है। या। बाय। रुकिए रुकिए। पहचाना आपने? अरे भला तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुम तो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। वाह,
खूब पहचाना आपने। बिगड़ी हुई औलाद जब किसी को चाहती है ना तो कितनी भी मुश्किल हो हासिल कर लेती है। ये सब मुझे नहीं पता, क्या काम था मुझसे? मेरा एक कीमती सामान चोरी हो गया है, ढूंढ देंगे आप उसे। कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो नहीं मालूम, एक दो दिन हो गए हैं। वैसे आपका वो कौन सा कीमती सामान था? हुजूर, वो मेरा दिल था। आपका दिल तो नहीं, आपका दिमाग जरूर खो गया है। तो दोनों ढूंढ दीजिए, उसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी आपको। आपको किसी पर शक है? हाँ। किस पर? आप पर। देखो मैडम, आप गलत जगह ट्राई कर रही हैं। आप किसी और को ढूंढिए। ओके, बाय बाय। अरे सुनिए तो। बाय। रुकिए ना प्लीज, सुनिए ना। आप औरों के लिए जासूस होंगी, पर मेरे कातिल हैं। आपको तो सजा मैं दिला के रहूंगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, तुम्हें मेरे काम करना होगा। हुक्म करें सर। तुम्हें इसी वक्त खंडाला जाना होगा। खंडाला अचानक? हाँ, वो क्या है कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मेरे जरूरी कागजात खंडाला के बंगले में पड़े हुए हैं, तुम्हें वो लेके आना है। ठीक है सर, मैं फौरन निकलने की तैयारी करता हूँ। और ये लो गाड़ी की चाबी, और जल्दी आने की कोशिश करना। जी सर, थैंक यू, टेक केयर। आई विल। अरे सपना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं मार्केट जा रही थी, लेकिन तुम्हें देखकर वापस आ गई। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो क्या बोलती तू? अच्छा, तो आप खंडाला जा रहे हो? जी हाँ, अति क्या खंडाला। वैसे ये जो तुम्हारी जुल्फे हैं, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे होंठ और तुम्हारे बस, 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 बस। चलो बाबा चुपचाप चलो खंडाला। अरे झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। खंडाला। ओह माय गॉड, पहले ही चाबी तो लाना ही भूल गया। अब क्या हो गया? एक मिनट, मैं भी चाबी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बंगले की चाबी लेकर आओ, मैं भी मम्मी से कहकर आती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खंडाला जा रही हूँ, और इसे मम्मी परेशान नहीं होंगी। ओह यस, हाउ इंटेलिजेंट ऑफ यू स्वीटहार्ट। ये लो चाबी, मैं भी आता सपना को क्या हो गया? डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, सपना कैसी है? फिलहाल तो खतरे से बाहर है, लेकिन चोट की वजह से मुझे उनकी आंखों का ऑपरेशन करना। डॉक्टर, सपना की आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना? अब ये तो पट्टी खुलने पर मालूम पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम सपना से मिल सकते हैं प्लीज? फिलहाल वो बेहोश है, होश में आने पर मिल लीजिए। ओह माय गॉड, सब ठीक हो जाएगा। हम तीनों को एक ही समय में बुद्धू बना होता है। अरे नहीं किसी, अपन को तो लगता है सचमुच छन्नों का कुछ मजबूरी होगा। तीनों चुलबे, हमको तो इसमें कुछ गड़बड़ लगता है। ए बंगाली भाई, हम कहते थे गड़बड़ चाहे जो हो,
पंसन्नों का शादी हुई तो हम तीनों में से किसी एक के साथ हो या। ठीक बोलता है। तो चलो ठीक है, अपन लोग चलते हैं शन्नो के पास, उसी से पूछता उसका मैं। मर्जी हमार का है, हमार तो मजबूरी है। पता है हम ही खुद ही चाहत है जो लड़का हमें देखने आ रहा है वो हमें फेल कर दे। तो ससुरी कोनो तरकीब सोच ना। हाँ। हम ना जॉन की तरह हकलाएंगे और हमें वो लड़का फेल कर देगा। हम तो तोरा का मूर्ख समझा रहे हैं। तुम तो खूब इंटेलिजेंट था। अरे डार्लिंग यू आर वेरी गुड गुड। जो लड़का मुझे देखने आने वाला है ना, लगता है वो आ गया। जाओ जाओ तुम लोग जल्दी भागो। सारा को तो नहीं मारेगा। नमस्ते जी, क्या आप ही हैं शन्नो जी? हाँ, मेरा ही नाम शन्नो है। किसी कारण पिताजी नहीं आ सके तो उन्होंने मुझे भेजा लड़की देखने को, लेकिन आप तो मुझे बहुत पसंद है। आप बहुत जल्दबाजी में फैसला करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिताजी भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा था मैं 15 दिन बाद पैदा होऊंगा, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं किया गया और मैं 15 दिन पहले आ गया। लेकिन मैं तो हकलाती हूँ। आपकी इसी अदा पे तो हम फिदा हो गए। अच्छा मैं चलता हूँ पिताजी से कहकर। चलबे। अरे साला तुम हमारा सोनो रानी से शादी करेगा? पर आप कौन? उसके भाई? अरे भाई नहीं, कसाई है, कसाई। हम साला काट कर रख देंगे, वो हमारी जान है जान। अरे आपकी होगी जान, लेकिन अब तो हमारे घर की होने वाली शान है। अरे साला तू अपुन गने निकल करता है तेरी तो शान, तुम्हारा घर को शमशान कर देगा, बर्बाद कर देगा, बर्बाद। अरे हम कह देते हैं वो बहुत खतरनाक है, एक साथ हम तीनों को धोखा दिया। वो तो क्या हुआ, प्यार में तो सब कुछ जायज है। उसने तो आप तीनों को धोखा दिया, मैंने तो पूरे 30 को धोखा दिया। नाम भी बहुत घटिया है। मेरा कौन सा बढ़िया है? तुम्हारे के हम एक बात समझा देता है, उससे जो भी शादी करेगा ना, शादी का दूसरा दिन ही मोर जाएगा। अरे मैंने जिससे शादी की ना, वो तो शादी के पहले दिन मर गया। बबुआ बहुत बढ़ चढ़ के बोलने की जरूरत नहीं, कह देते हैं हम तीनों उसको बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए आपके भाई बहन के प्यार में मुझे कोई तकलीफ। भाई बहन का प्यार? पकड़ तो ससुर को। अरे सुनो, अरे जरा इधर तो आ और बांध इसको राखी। सपना अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब सपना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हिम्मत मत हारो सपना, फिर से कोशिश करो प्लीज। देखो हाँ, फिर से कोशिश करो। सच राहुल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? क्या मेरी बच्ची कभी नहीं देख सकेगी? कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा। नर्स फिर से पट्टी बांध दो। डॉक्टर राहुल। सपना सपना तुम फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। डोंट वरी ओके डॉक्टर साहब। क्या मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगी? भरोसा रखो बेटा। डॉक्टर साहब क्या अब सपना कभी नहीं देख पाएगी? जरूर देख पाएगी, आप तो 5-star ग्रुप के इंजीनियर हैं। Now what has that to do with this? इस बात का उससे क्या ताल्लुक है डॉक्टर साहब? मिस्टर तेजपाल आई बैंक के चेयरमैन है, अगर आप उनसे सिफारिश करो तो सपना फिर से देख पाएगी, और वैसे भी उन्होंने आई डोनेशन का वादा किया है। बस इतनी सी बात है डॉक्टर साहब? आपको पता है तेजपाल साहब मुझ पर अपनी जान निछावर करते हैं, मैं इस बारे में उनसे जरूर बात करूंगा। ये रही अख्तर की फाइल। ये कौन सा तरीका फाइल देने का? अच्छा तुम्हारा मांगने का तरीका ठीक था। मैं 5 दिन से तुम्हारे से फाइल मांग रहा हूँ, तुमने कहा अपने असिस्टेंट को भेज दो। जब मैंने अपने असिस्टेंट को भेजा तो तुमने 5 घंटा बिठा के कहा मैं हवलदार के साथ भिजवा दूंगी, और अभी तक तो तुम्हारा हवलदार आया नहीं।
जब तुमने हवलदार के साथ नहीं भेजी ना, तो मैंने अभी कमिश्नर को फोन किया। तुमने ये सब मेरी बेइज्जती कराने के लिए किया था, और तुम जैसे फाइल पढ़ते ही कातिल को ढूंढ लोगे। यार तुम पुलिस वाले, हम डिटेक्टिव से जलते क्यों? हम जलते हैं, तुम हमारे बीच टांग अड़ाते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर तुमसे कुछ नहीं होता है। मैं 7 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, इस जासूसी के प्रोफेशन में मेरा एक भी ऐसा केस नहीं होगा जो सॉल्व नहीं किया हो मैंने। अच्छा, हाँ बोलो ना। तुम पुलिस वाले तो जैसे चुटकियों में काम कर लेते हो। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं जो तुम नहीं समझ सकते हो। तुम्हारी मजबूरी तो इस फाइल में समझ आ रही है, अब लौटा रही हो तुम मुझे फाइल। हाँ, तुम जैसे बहुत बड़ा तीर मार लोगे। यार किरण, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब अपन कॉलेज में पढ़ते थे तब तो तुम ऐसे नहीं थी, जब से तुमने पुलिस ज्वाइन की और मैं डिटेक्टिव बना तब से तुम रोज झगड़ा करती हो। झगड़ा मैं नहीं करती, झगड़े की शुरुआत तुम करते हो। मैं? कौन बोल रहा है? मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ चले? अरे एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम? हाँ मैं। ये क्या तरीका बुलाने का? मुझे कोई और तरीका आया नहीं, इसलिए मैंने अपना तरीका अपनाया। आखिर आप चाहती क्या हैं? आप रहते कहाँ हो? प्लॉट नंबर 302 मोहिनी विला जुहू। जहाँ तुम रहते हो ना, वो जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कहीं और क्यों नहीं रहते? आप ही बताइए कहाँ रहूँ? मेरे दिल में। कोई शर्म है कि नहीं तुम्हें? प्यार में जिसने की शर्म ना, उसके फूटे करम। देखो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और आइंदा ऐसा बेहुदा मजाक नहीं करना मुझसे। करूंगी, 1000 बार करूंगी। ये बताओ मुझ में कमी क्या है? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ। तुम में सब कुछ है, लेकिन तुम लड़की नहीं हो। क्या? यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। गुड बाय। अच्छा बच्चू, बताती हूँ तुझे। हेलो। हाँ मैंने तुम्हें समझा दिया है, उसी तरह से काम होना चाहिए, समझे? ठीक है, ओके। नमस्कार सर। तुम कैसे आए हो? मैंने तो केटे को बुलाया था। सर हमारा नाम किशन कांत चटर्जी है, किंतु लोग हमको प्यार से सेठी बोलता है। प्यार से? तुमसे कोई प्यार भी करेगा? शक्ल देखी आने में? एक बार देखा था सर, आईना टूट गया। वो क्या है, हम बहुत काला है ना, किंतु दिल वाला है। आईना शर्मा के टूटा होगा तुम जैसी शक्ल को देखकर। ये मुंह और मसूर की दाल। तुम बाहर जाओ और उसको अंदर भेजो, जाओ। सर हमसे काम नहीं चलेगा। मेरे साथ तो नहीं चलेगा, बाहर किसी तलाश कर लेना। और उसको भेजो। कोरता है, मैं जाता है, जाता है। हाय जानेवन स्वीटहार्ट। सर ये फाइल। फाइल? फाइल कुमारो गोली, हमारी आगोश में आ जाओ जानेवन। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो एक हम जैसे आदमी को तुम जैसी हसीना के साथ करना चाहिए। सर लेकिन आजकल 1500 में क्या होता है? बहुत चालाक हो। ठीक है, हम पगार बढ़ा देंगे। श्योर सर? ठीक है, हाँ हाँ दुगनी कर देंगे। अब तो ठीक है जानेमन। मैंने दुनिया में इतना सुंदर बेडरूम कहीं नहीं देखा। और मैंने इतनी सुंदर लड़की भी कहीं नहीं देखी। सच? बिल्कुल सच। क्या मैं सुंदर हूँ? यकीन नहीं आता, मेरी नाखों में देखो, तुम्हें खुद बखुद अपनी खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। यकीन नहीं आता। मैं अभी यकीन दिला देता हूँ। हेलो जावेद, कौन बोल रहा है? तुम्हारी मौत। मैं जानता हूँ मेरी गाड़ी के ब्रेक तुमने फेल किए थे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तेजपाल, जो तुम बच गए और सपना उसका शिकार हो गई। इतना ख्याल रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? अबे कुत्ते, जावेद अंजाम से नहीं डरता, समझा? बास्टर्ड। क्या हुआ डार्लिंग, क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं यार, बस यही कि तेजपाल की तस्वीर को हार कैसे पहनाऊं। ये बता आप उन दोनों में से किसे करेगा शादी? अरे शादी तो ठीक है, पहले उस हीरो को तो भगाओ। कौन सा हीरो? घाघरे वाला। मैंने बार बोला, ये चनू बार बोला, अब उस घाघरा का हीरो के बारे में जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। हम सोचेगा बम से मारेगा। वो हीरो को तो हम जीरो करके छोड़ेगा। बरोबर शोर, अरे ये तो आँख खोल के सोता है। शोर, अरे बाबा, तो मर गया है। मर गया। अरे बाबा। देशपाल भी, यानी 5-4 में से 3 मट्टी में मिल गए। साहब मर गया। हमारा सब मर गया, हमारा सब मर गया। Oh,
भी जाने क्या कहा, चुपके से दिल ने भी जाने क्या सुना। हाँ, मस्ती में उसने भी जाने क्या कहा, चुपके से दिल ने भी जाने क्या सुना। छोड़ सुनना सुनाना, जाने मन जाने जाना, तुझे झूमेगी फिर झूमेगी ये कातिल निगाहें। आहा, ये जवानी है दीवानी। बबर बबर बब्बा, बबर बबर बब्बा, बबर बबर बब्बा, बबर बा। मैं हसीना हूँ मस्तानी। घायल करे पागल करे ये कातिल निगाहें। आहा, कातिल निगाहें, 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 कातिल पागल तो नहीं हो गए? अगर जावेद कातिल है तो उसे कानून सजा देगा। तुम्हारे कानून की ऐसी तैसी क्या बकते हो? इस बार तो तुमने बचा लिया मिस्टर विक्रम, अगली बार मुझसे इसे कोई नहीं बचा पाएगा। वाह, शराब, शबाब और ये कातिल निगाहें। इसलिए क्या जल्दी है भाई, थोड़ी जान पहचान हो जाए। लड़कियों की तो कातिल निगाह होती है, पर तुम तो मुझे खुद कातिल निगाह हो। तो आप ये जानना चाहती हैं कि मैंने किस तरह से कपूर सनकी और गुप्ता का खून किया है ना मोना डार्लिंग? अरे जा, कहां रही हो मेरी जान? हाँ, छोड़ जावेद। डॉक्टर साहब, आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? आपके लिए खुशखबरी है, सपना के लिए आई बैंक में आंखें आई हैं। क्या सच डॉक्टर, मेरी सपना वापस देख सकेगी? सपना को आप आज ही एडमिट करवाइए, कल उसका ऑपरेशन होगा। अपनी आंखें खोलो। बोलो क्या दिखा दे रहा है सपना? राहुल, मुझे दिखाई तो दे रहा है लेकिन तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। तो तुझे क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि कोई किसी का गला दबा रहा हो। कौन किसका गला दबा रहा है सपना? वो मुझे साफ नजर नहीं आ रहा क्योंकि मेरी आंखों में दम। आप अपनी आंखें बंद ही रखिए, बिल्कुल बंद रखिए। डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब ये सब क्या हो रहा है सपना के साथ? क्या हो रहा है ये? एक मिनट राहुल। हाँ डॉक्टर साहब जी, मुझे ऐसा लगता है कि तेजपाल ने आखिरी बार खून होते देखा था वो उसकी आंखों में बस गया, वही सपना देख रही है। सॉरी डॉक्टर, मैं विक्रम, मिस्टर तेजपाल के मर्डर केस की तहकीकात मैं कर रहा हूँ। हेलो, मैंने जो सुना वो सच है? हाँ ये सच है। आपको क्या लगता है इस वैज्ञानिक युग में भी आप ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? हाँ विक्रम, इस वैज्ञानिक युग में भी ये संभव है। अगर मरने वालों की आंखों में कुछ रह गया तो उसको दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है जो सपना धुंधला दिखाई दे रहा है वो उसे साफ दिखाई देने लगेगा? हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, पर वो देखने जरूर लगेगी। वाह, मैं तो समझता था कि लड़कियों की आंखें कातिल निगाहें होती हैं, पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी लड़की की आंखें कातिल को पहचाने की। चौधरी साहब क्या बात है सक्सेना, क्यों चिल्ला रहे हो? अब कौन मर गया? अब कौन मरेगा?
हम ही आप तो बचे हैं। चलिए टास्क कर लेते हैं। हेड आप ले लेते, टेल मैं ले लेता हूँ। फाइव स्टार कंपनी के हम हैं टू स्टार। जब मिल बैठेंगे करेंगे कोई ना कोई चमत्कार। हेड टेल करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। तो क्या आप जानते हैं कि पहले कौन मरने वाला है? मुझे तो कभी कभी आप पर भी शक होने लगता है। अगर मैं खूनी होता तो सबसे पहले तुम्हारा खून करता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बकवास बहुत करते हो। मैं जानता हूं कि आप खूनी नहीं, खूनी है वो जावेद। एक एक करके हमारे सारे पार्टनर को मार रहा है और खुद अपने भाई की कब्र पर फूल चढ़ा रहा है। आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, वरना मैं कुछ कर डालूंगा। सक्सेना, पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। ये साला जावेद अपने भाई से बहुत प्यार करता था। लगता है उसे उसके भाई की बहुत याद आ रही है। वो भी अपने भाई के पास जाना चाह रहा है और मुझे तो लगता है कि वो अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत। मुझे मुझे दोनों को प्लीज चौधरी साहब ने। हेलो चौधरी, तू भूल गया कि 100 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, तो तेरे ये 2 कुत्ते मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? हाँ, गीदड़ अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं हो जाता। एक पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तू हमारी तरफ आ रहा है और ये हमारा वादा है कि हम तुझे अपने हाथों से मारेंगे। सर, मुझे लगता है कहीं कातिल जावेद तो नहीं। इतना यकीन से तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि सर चौधरी साहब ने कहा था कि जावेद ने उन्हें मारने की धमकी दी है, और वहाँ नौकर से पूछताछ करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि जावेद ने अपने भाई के कातिलों को मारने की कसम खाई है। खाली कसम खाने से ये साबित नहीं होता है कि खून उसी ने किया हो। हो सकता कोई इसकी कसम का फायदा उठा रहा हो। फिर सर कातिल कौन है? कहीं वो पांचों एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है? सर इसका शक बिल्कुल सही है। मैं समझा नहीं मोना, जरा खुलकर बताओ। सर जावेद के भाई अख्तर के जो 40 लाख लूटे गए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि सक्सेना, गुप्ता और तेजपाल ने लुटवा कर लोनावला में जमीन खरीदी थी। सर ये रहे उसके कागजात। सर मुझे लगता है सक्सेना और चौधरी को उसका पता चल गया होगा और दोनों ने मिलकर अपने तीनों पार्टनर्स को मार दिया होगा ताकि उनकी कंपनी का पार्टनरशिप का हिस्सा बढ़ जाए। ऑफिस बॉय से मुझे भी पता चला था कि उन पांचों में जोरदार झगड़ा हुआ है। हो सकता हो झगड़ा इसी बात पर हुआ हो। सर वो देखिए आफत आ रही है। ओ माय गॉड, इस मुसीबत। हाय हाय। अच्छा सर, हम उन पर पूरी नजर रखते हैं, जैसे ही कुछ होता है हम आपको कॉल करते हैं। ओके बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय। विक्रम, तुम्हारी सेक्रेटरी मुझे देखकर हंसते क्यों हैं? अरे यार तुम गजब लड़की हो। तुम पहले कहती कि तुम्हारी सेक्रेटरियां मुझे देखकर मुंह क्यों बिगाड़ती हैं, अब जब मैंने इनको मुस्कुराने के लिए कहा तो अब कहती हो कि अब मुझे देखकर हंसती क्यों हैं? अरे यार ऐसे करो तो भी मुश्किल, वैसे करो तो भी मुश्किल, तुम तो यार। हाँ मैं खूबसूरत बला हूँ। अरे मैं इसी बला से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा, अब तो मेरा पीछा छोड़ो। इसीलिए तो आई हूँ कि बारात लेके कब आ रहे हो?
कातिल के पकड़े जाने के बाद। कब? यार बहुत जल्दी वो कातिल पकड़ा जाएगा। ठीक है, सारा का सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर लेती हूँ, तब तो ठीक रहेगा। तुमने अपना सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया तो तुम तो जेल में होगी, और शादी कैसे करेंगे अपुन? तो शादी के बाद इल्जाम ले लूंगी। मेरा विश्वास करो, कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। कब? जब सपना की आंखों में कातिल की पूरी तस्वीर नजर आएगी तब। पर कहीं ऐसा ना हो कातिल को इसके बारे में पता चल जाए और सपना का खून करने की कोशिश करे। हा? इनको स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करो। जी सर। इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जी सर। ध्यान रहे, समझा? जी सर। देखो सोना, मोना, जैसा मैंने कहा वैसे ही करना। ओके सर। ओके। बाय सर। बाय बाय। ये क्या है? ये जहर है। मैं इसे पीकर मर जाऊंगी। मैंने तुम्हें सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तुम नहीं माने। मैं पी रही हूँ। अरे मैं कभी कभी मजाक करता हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच? तुम मुझसे प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। तो ये बात मेरी आंखों में आग डाल के कहो ना। सनम प्यार हो गया, आंखों ही आंखों में इकरार हो गया, तुमसे तो मेरे सनम प्यार हो गया। पहली नजर में दिल जाने कहां खो गया, तुमसे तो मेरे सनम प्यार हो गया।
ही आंखों में इकरार हो गया, तुमसे ओ मेरे सनम प्यार हो गया। क्या कर रहे हो? देखो तुम मुझे नहीं जानते, देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, देख मेरी बात सुन लो। नहीं देखो तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी बात समझो। देखो आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं। देख, देख ये क्या कर रहा है तू? देख देख मैं तुझे आखिरी बार समझा दे रहा हूं, हमको लोग बोले सक्षी, हमको लोग बोले हमारा पॉइंट भी सक्षी, हमारा गाल भी सक्षी, हमारा बाल भी सक्षी। अरे बाल तो बचे नहीं चटर्जी, फिर काहे के सक्षी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? ठीक है सर। किधर जाता है? सक्सेना साहब के ऑफिस में, उन्होंने बुलवाया ना मुझे। सर हम इधर एक घंटा से खड़ा है, हम तो उसको नहीं देखा है। ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने तो मुझे फोन करके बुलवाया। अरे बाबा वो ये सब तो नहीं, हमारा आने से पहले वो आ गया हो। शोर आप पिछला बार आया था तो कपूर साहब का मर्डर हो गया था, इस बार को ही सक्सेना साहब। चुप, कुछ बकवास मत कर, अनाप शनाप पकता रहता है। सक्सी हमको लोग बोले, सक्सी हमको लोग बोले। सर
मुझे यकीन है कि आपने कातिल को तलाश कर लिया होगा। कातिल अब ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता जावेद, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उफ, कानून कानून, कब से सुनता आ रहा हूं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। क्या कर लिया आपके कानून ने? खूनी को पकड़ सके आप, कातिल को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सके आप। कातिल तो कोई भी हो सकता है राहुल, कातिल तुम भी हो सकते हो, कातिल तुम भी हो सकते हो। और जिस दिन कोई सबूत हाथ लगा ना, कातिल बच नहीं पाएगा। माना कि कातिल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि खून आपने किया हो। क्या? हाँ मिस्टर विक्रम, कातिल खून करने के बाद वहां दोबारा जरूर जाता है, ऐसा मैंने सुना है। और अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं, हर कत्ल के बाद आप वहां पाए गए हैं। क्या मतलब? रिलैक्स मिस्टर विक्रम, आप तो बिला वजह नाराज हो रहे हैं। इन्होंने तो सिर्फ अपने ख्याल का इजहार किया है। देखिए, तारीख गवाह है कि कई बार पुलिस वाले भी कातिल साबित हुए हैं। इंसान सिर्फ तीन ही वजूहात की बिना पर खून करता है, आप जानते हैं वो कौन से? दौलत, शोहरत और औरत। और ये तीनों चीजें आपकी भी जरूरत हो सकती है मिस्टर विक्रम, इसलिए आपको ऐसे शख्स को तलाश करना है, ऐसे खूनी को जो इन सारे कत्ल के पीछे एक वजह रखता हो। ₹100 का नोट, फिर ₹100 का नोट। लगता है आज तो किस्मत ही खुल गई। सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? अरे मैंने अपना ही तो मुंह देखा था शीशे में। अरे फिर ₹100 का नोट। मताना वरना काट डालूंगा इसे। छोड़ दे, छोड़ दे। डार्लिंग, इस बार मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरी लाइफ बना दोगे? इस बार एक ऐसी लॉटरी हाथ लगी है, अगर वो खुल गई ना तो मालो माल कर दूंगा। क्या कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। सच? वो अगर मेरा काम हो गया ना तो तुम्हें पैसे के समुद्र में डुबा दूंगा। अरे वाह। अरे आजा। पता साले, तूने किसको बोला कि सपना को दूसरे रूम में शिफ्ट किया? मैंने किसी को नहीं बताया सर। सिर्फ तेरे को मालूम था कि सपना को दूसरे रूम में शिफ्ट किया? बता, तूने किसको बोला? बताता हूँ सर। बताओ। बताता हूँ सर। रुक जा। अरे मैं कहता हूँ रुक जा। अरे कहाँ तक भागेगा तू? खबर इतनी मामूली भी नहीं थी कि कहीं भी सुनाई जा सके। तुम्हें पता है विक्रम, सपना पर हमला हुआ है। अरे मुझे मालूम है, कातिल अब खुलकर सामने आ गया। अगर उसे कुछ हो गया ना विक्रम,
तो आज के बाद तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई देगी, एंड आई मीन इट। क्योंकि सपना मेरे लिए सपना ही नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। राहुल तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम तो बाद में हो विक्रम, मौत की लहरों को सपना को छूने के लिए भी पहले इस चट्टान से टकराना पड़ेगा। और तुम अपनी बात करते हो, किस खुशफहमी में जी रहे हो मिस्टर विक्रम? तुम्हारी पलक के साए इतने खून हो गए और अब तक तुम्हारी नजरें कातिल को तलाश नहीं कर सकी। और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं, तुम्हारा एतमाद करूं और अपनी जिंदगी को तुम्हारे भरोसे सौंप दूं? मिस्टर राहुल, तुम जोश में बह रहे हो और इस जोश में होश खोकर तुम उन सारे सबूतों को गवा दोगे जिनके जरिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। कानून पर भरोसा रखो, जुर्म का हरदम कानून के सामने सर झुका है। राइट मिस्टर विक्रम, मंजिल तो दोनों की एक ही है पर राहें अलग अलग। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मुझे यकीन है मिस्टर राहुल, एक न एक दिन हमारी राहें एक ही मुकाम पर मिलेंगी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा ऑफिसर। ऑल द बेस्ट। सपना, मेरी वजह से तुम्हारी आंखें चली गई। आज जो कुछ भी तुम्हारी हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। नहीं राहुल, होने को कौन टाल सकता है। राहुल, मैंने तुमसे एक बात छुपा के रखी थी। बात? कौन सी बात? राहुल, पंडित जी ने मेरी जन्म कुंडली देखी थी, उसमें लिखा था कि मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटने वाली है। लेकिन राहुल, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं किया करती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। सॉरी राहुल। इट्स ऑलराइट सपना, अब कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी आंखें आ जाएंगी। अभी मैं घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर आ जाऊंगा। रहने दो राहुल, रहने दो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या बात कर रही हो, वही दो हाथ दो पैर दो आंख दो कान एक मुंह मैं वही हूं। राहुल, मजाक छोड़ो ना। राहुल, तो मुझे दो दिन पहले मिलने आने वाले थे, लेकिन अब रहे हो। अरे पगली, तुम्हें क्या पता कि पल पल मैं भी तुम्हें कितना मिस करता हूँ। लेकिन क्या कर सकता हूँ, वहां चौधरी साहब का भी ख्याल रखना पड़ता है। लीव मी जान, आई लव यू वेरी मच। सच राहुल? ऑफ कोर्स यस, तुम्हारी इन बंद आंखों की कसम। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा? राहुल, डॉक्टर्स की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और विक्रम जी किसी वैद्य के पास ले जाने की बात कर रहे हैं। वैद्य? हाँ, कोई बड़े माने हुए पहचाने वैद्य हैं। संभल कर सपना। नमस्ते वैद्य। नमस्ते नमस्ते, आइए पधारिए पधारिए, यहाँ बैठ जाओ। वैद्य जी, जिस लड़की के बारे में आपसे जिक्र किया था वो ये लड़की है। अच्छा, इसका नाम सपना है। अच्छा अच्छा, नमस्ते वैद्य जी। नमस्ते, लड़की की पट्टी खोल दो। नहीं नहीं वैद्य जी, मैं अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलूंगी। मैं जब भी अपनी आंखों की पट्टी खोलती हूँ तो मुझे एक अजीब सी चुभन महसूस होती है और बहुत दर्द। नहीं, मैं पट्टी नहीं खोलूंगी। सपना, तुम जानती नहीं वैद्य जी बहुत ज्ञानी है, और एक बार तुम्हारी आंखें देख लेंगे ना तो हमेशा के लिए तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। और क्या तुम देखना नहीं चाहती? पर विक्रम जी, यहाँ राहुल भी तो नहीं है। राहुल नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ, सोना है, मोना है, और इसमें डरने की क्या बात है। इनकी आंख की पट्टी खोल दो। ठीक है वैद्य जी। आंखें खोला ना सपना। सपना प्लीज प्लीज आंखें खोलो ना सपना। देखो पहचानो सपना, कौन है, कौन है, पहचानो सपना। कोई नजर आया? सपना प्लीज देखो कौन है। सपना तुम अपनी आंखें खोलो ना। नहीं। अरे आंखें खोलो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं आगे नहीं खोलूंगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं,
जो कुछ देखना था मैंने देख लिया है। मैं दो दिन के अंदर ही बिल्कुल अच्छी दवा तैयार करवा देता हूँ और बेटी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं। अरे बंगाली भैया, वीरान इलाका में सुंदरी कहीं हम सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? इधर चल बे, इधर चल बे। ये तो सोती का पूरी है। हम जहाँ भी जाते हैं सबकी किस्मत चमक जाती है। टांगे देख ले? नहीं, टांग नहीं देख रहा हूँ, पूरा देख रहा हूँ। सच? सोती, तुम्हारा कोसो? नहीं, तुम लोग छोटे हो, यू आर लायर। अरे कसम से। तत बम्बई में जैसे किराएदार हर 11 महीने के बाद मकान बदलते हैं ना, वैसे ही तुम लोग भी हर 11 दिन के बाद दिल बदलते हो। अभी पूर्वाने घोल ले लिया है। अच्छा, कहाँ? अब आप दिल में। पर हमने तो सुना है कि तुम लोगों का चक्कर किसी चानो मानो के साथ चल रहा है। चानो? ऊ का समझती है, ऊ हम सबको बेवकूफ बना रही है। अरे हम तीनों उसको मूर्ख बना रहे हैं। वो कैसे? क्या है कि हम तीनों मिल के 1000 रुपए का शॉर्ट लगाया कि कौन उसको शादी के लिए पहले राजी करता है। देखो चुन्नू जी, मैंने कहा था ना आपसे, ये तीनों आपसे प्यार नहीं करते। हाँ तो हाँ चुन्नू रानी। संभल कर सपना, यहां बैठ जाओ। नमस्ते वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी। बॉस, बॉस, बॉस। क्या हुआ, काम हो गया? नो बॉस, वैद को तो हमने मार दिया और सारी दवाएं भी खत्म कर दी, मगर वो सारी सपना बच गई। साले, एक काम भी नहीं होता तुम लोगों से ठीक तरह से। अगर सपना ने आके खोल दी तो उसे पता चल जाएगा कि कातिल कौन है और मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। दबाओ जाए यहां से, मैं बोल रहा हूं दबाओ जाए। जो हमारे पास सबूत हैं उनके बिना पर हम जावेद को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और 1983 का टिकट, इसका जावेद से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सर। क्या? सर मैंने पता लगाया है कि जावेद की पिता 83 के आसपास लॉटरी का बिजनेस किया करते थे। शायद उनके घर पे कोई टिकट हो, और सर मेरे ख्याल से वो हमें गुमराह करने के लिए हर खून के बाद कोई टिकट छोड़ देता हो। वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू सर। हेलो, कहां पर? ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। ओके मोना। यस सर। मैं जावेद से मिलने के लिए लिंकिंग रोड पर जा रहा हूं। ओके सर। Thank you.
जावेद ने काम तो नहीं दिया था। जावेद कौन हो सकता है? ताले, तुमने अख्तर का खून कर डाला, 40 लाख भी हजम कर गए और अपने साथी को भनक भी नहीं लगने दी। अरे वो चारों के चारों अनाड़ी थे, अनाड़ी। सारे प्लान मैं बनाता था और मलाई वो हजम कर जाते थे, इसीलिए नहीं बताया। लेकिन अपने बिजनेस के फायदे के लिए तुमने उन चारों को मार डाला। मैंने उन्हें नहीं मारा, उनके मरने से मुझे कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। और जिस जावेद पर मुझे कातिल होने का शक था उसका भी कत्ल हो गया। कातिल कौन है फिर? यही तो पता नहीं है कि कातिल कौन है। मेरे चारों साथी मारे गए, जावेद का भी कत्ल हो गया। अब सिर्फ अकेला मैं बचा हूं। मैं अब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो कातिल मेरे हाथों से मारा जाएगा या मैं उसके हाथों मारा जाऊंगा। पति और क्या हुआ है? लॉटरी खरीदने के लिए चस्का था, लॉटरी नहीं निकली, इसी सदमे से पागल हो गए। माँ, हाँ बेटा। माँ, फिर तो पिताजी की तस्वीर के आगे खड़ी हो। कितनी बार कहा पिताजी की मौत को भूल जाओ। कैसे भूल सकते हो बेटा? उन 5 स्टार ग्रुप के 5 लोगों ने राहुल के पिता का खून करके तेरे पिता के ऊपर इल्जाम लगा दिया था। बिस्किट खाओगे? हाँ, अभी पापा आएंगे, हम लोग घूमने जाएंगे। हाँ, उसके बाद ना फिर हम लोग गाड़ी में कहीं और जाएंगे। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? क्या चाहिए बेटा? नहीं बेटा, देखो दूर, नहीं दूर से बात करो, मेरी बात गौर से सुनो, दूर से मेरी बात सुनो। चलो, तुम्हारा पति इस वक्त जेल में है, उससे कहना कि बच्ची मेरे कब्जे में है। बोला ना, बस उसे मालूम है कि उसे क्या करना है। समझी कि नहीं समझी? मेरी बात नहीं समझी? छोड़ दो मेरे बच्चे। आगे मुझे नहीं सुनना, तुझसे क्या बोलता हूँ तुझसे काट दूंगा। बस और मजबूरन ही तेरी जान बचाने के लिए उन्हें कत्ल का अपने सिर पे इल्जाम लेना पड़ा और उन्हें फांसी हो गई। कहीं माँ, तुम 5 स्टार ग्रुप से बदला तो नहीं ले रही हो ना? नहीं 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 बेटा नहीं, पर राहुल। नहीं माँ नहीं, राहुल को तो इस बात का पता भी नहीं कि 5 स्टार ग्रुप ने उसके बाप का खून किया है। वो तो यही समझता है कि उसे बाप के कातिल मेरे पिताजी हैं। यही तो बड़प्पन है उसमें कि उसे सब कुछ पता होते हुए भी वो तुमसे शादी करना चाहे। लाखों का नुकसान हुआ है, करोड़ों का, ये मैं नहीं जानता चौधरी साहब। प्लीज सर, आप कल मुंबई शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कल सपना के आंखों की पट्टी खुल रही सर। प्लीज सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर, हाँ, चटर्जी का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं सर, मोना चटर्जी को ढूंढने गई है। वैसे मैंने राहुल को इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो आता ही होगा। राहुल आपकी खिदमत में हाजिर है सर। राहुल, कल फौरन से डॉक्टर डैन आ रहे हैं। वो सपना की आंखों में एक आई ड्रॉप डालेंगे। उस आई ड्रॉप डालने की वजह से सपना की आंखों में कातिल की परछाई साफ दिखाई पड़ेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है विक्रम साहब। और हाँ, कल तुम भी शहर छोड़कर मत जाना। कैसी बातें कर रहे हैं विक्रम साहब, सपना की आंखें आ रही और मैं चला जाऊंगा भला? वेल, बस आज की रात ये कैसे भी बीत जाए। हाँ विक्रम साहब, आज की रात तो मुझ पर भी बहुत भारी है। क्या मतलब? मतलब ये कि सपना की आंखें आ रही हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। राइट।
राहुल, राहुल नहीं हूं मैं, राहुल मैं दीनानाथ शर्मा का बेटा आनंद शर्मा हूं। चौधरी साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। काश मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया होता तो आज मेरे चारों साथी जिंदा होते। लेकिन मिस्टर विक्रम, तुम्हें ये कैसे पता चला कि आज राहुल मुझे मारने के इरादे से यहाँ आने वाला है? चौधरी साहब, कपूर गुप्ता और तेजपाल का खून हुआ और मुझे कुछ भी सुराग नहीं मिला। तब मुझे खबर मिली कि तेजपाल की आंखें सपना को दी जा रही हैं। तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने सपना से कांटेक्ट किया। क्या कह रहे हो विक्रम, मेरी ठीक होने के बाद भी मुझे अंधे का नाटक करना पड़ेगा? हाँ सपना, कल तुम्हारी आंखों की पट्टी भी खोल दी जाएगी और तुम्हें साफ दिखाई भी देगा, फिर भी तुम्हें एक नाटक करना होगा। नाटक? हाँ, तुम्हारी आंखों के सामने तेजपाल जी का खून करते हुए किसी कातिल की एक परछाई दिखाई देगी और जब कातिल ये सुनेगा वो कुछ न कुछ ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे मैं उसे पकड़ लूंगा। क्या सोच रही हूँ सपना, तेजपाल जी का कर चुकाने का ऐसा अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा? हाँ कर दो सपना। ठीक है विक्रम जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, मैं आपका साथ दूंगी। थैंक यू, मैंने सोचा जब कातिल कत्ल करने आएगा तब मैं उसे पकड़ लूंगा, पर मैं नाकाम रहा। शक तो मेरा सब पर था, पर एक दिन जब मैं सपना को राहुल के साथ उसके घर पर छोड़ने गया तब मुझे माजी। ओके मिस्टर विक्रम, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। राहुल, किस तरह की बात कर रहे हो? आज मिस्टर विक्रम पहली बार तुम्हारे घर आए हैं, क्या उन्हें बिना चाय पिए जाने दोगे? मेरे ख्याल से मिस्टर विक्रम शायद चाय नहीं पीते। हाँ मिस्टर विक्रम, ठीक कहा ना मैं? मगर मिस्टर राहुल, हर काम की शुरुआत एक न एक दिन तो करनी पड़ती है, क्यों ना शुरुआत आज से ही कर ली जाए? मैंने भी ठीक कहा ना मिस्टर राहुल? माँ, हाँ हाँ आई बेटी। नमस्ते बाजी। नमस्ते। देखिए आपकी लाडली को ले आया, अस्पताल में इसका दम घुट रहा था, इसे तो हंगामा खड़ा कर दिया था वहाँ पर। राहुल, ये तो मिस्टर त्रिवेदी है, राहुल तुम्हारे माता पिता के कातिल। नहीं मिस्टर विक्रम, मेरे पति तो मिस्टर विक्रम, राहुल को सब कुछ मालूम है, जब से हम लोगों का प्यार शुरू हुआ राहुल को सब पता चल गया। इस बात का पता होते भी राहुल तुम इससे शादी करने को तैयार हो? देखिए मिस्टर विक्रम, अगर इसके पिता ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा इस बेचारी को क्यों दी जाए? माँ, विक्रम पहली बार हमारे घर आए हैं, क्या उन्हें चाय नहीं पिलाओगी? नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं सच में चाय नहीं पीता हूँ, धन्यवाद चलता हूँ। थैंक यू विक्रम सर, आओ बैठो। ओके हैप्पी? और उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि कातिल राहुल ही है, पर तब तक 5 खून हो चुके थे और मेरे पास जो सबूत थे वो राहुल को कातिल साबित करने के लिए काफी नहीं थे और मैं राहुल को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने राहुल के सामने ये झूठ कहा कि फौरन से डॉक्टर डैन आने वाले हैं। मुझे पता था कि सपना की आंखें खुलने से पहले राहुल अपने आखिरी शिकार को जरूर मारेगा। वेल डन मिस्टर विक्रम, वेल डन। अगर मैं सजा का हकदार हूँ तो ये चौधरी। डोंट डू दैट ऑफिसर, ये भी सजा का हकदार है, इसने मेरे पिता का खून किया, ऑफिसर इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। झूठ बोलता है ये, झूठ। इसके बाप का खून रवि कुमार ने किया था और ये बात साबित हो चुकी है। नहीं चौधरी नहीं, मेरे पिताजी ने कोई खून नहीं किया था, वो तो तुमने मुझे किडनैप कर लिया था ना, इसलिए मुझे बचाने के लिए मेरे पिताजी ने खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। चौधरी याद कर, तुम पांचों मेरे पिता के कितने गहरे दोस्त थे और तुम्हारी सलाह पर ही मेरे पिता ने वो लॉटरी का टिकट खरीदा था जो लग गया। मेरे बेटे, तुझे साइकिल चाहिए थी ना? साइकिल? हैं? मैं तुझे साइकिल नहीं, प्लेन ला के दूंगा, प्लेन। मैं तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, इंजीनियर। आपकी लॉटरी लगी है क्या? हाँ बेटे, मुझे लॉटरी लगी है, 50 लाख की लॉटरी, 50 लाख की। अरे आप लोग? हाँ हाँ यार, मित्र हैं आपके, दोस्त हैं, मिलने चले आए। अरे और क्या सुनाओ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। चल बस अब निकाल। क्या
वही 50 लाख की लॉटरी। अब क्या है दोस्त कि 50 लाख रुपए का तुम क्या करोगे? क्या करोगे 50 लाख रुपए का? मैं अपने बच्चे का भविष्य बनाऊंगा भाई। अगर जिंदा रहेगा तब तो अपने बच्चे का भविष्य बनाएगा ना। समझता क्यों नहीं बे यार, 50 लाख रुपए की लॉटरी निकाल। हाँ जाने ये दोनों ब्लैंक चेक लेके कब आएंगे? अरे तेजपाल जरा सब्र करो। हाँ भैया सुना है सब्र का फल मीठा होता है, अब देख लेते। कभी कभी तुम भी अकल की बात करते हो। एक बार वो लॉटरी का टिकट हाथ तो लगने दो, उसके बाद हम अपनी कंपनी खोलेंगे। हाँ जिसका नाम रखेंगे 5 स्टार। यस दोस्त 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 मुझे मुझे बचा लो। क्या हुआ? मेरी वो 50 लाख की लॉटरी लगी ना, उसके लिए गुप्ता सक्सेना मेरी जान लेना चाहते। टिकट कहाँ है? मेरी जेब में। ला वो टिकट मुझे दे दो, फिर मैं देखता हूँ ये तुम्हें कैसे हाथ लगाते हैं। ला लो टिकट, ला ला ला। भैया तू टिकट चौधरी साहब को दे दे, ये सब कुछ संभाल लेंगे। तू जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। चौधरी साहब, चौधरी साहब, इनको छोड़ना नहीं, ये लोग दोस्ती के काबिल नहीं है। सच करो भैया, ये साले तो किसी काबिल नहीं है। अरे इनकी नियत पर तो मुझे पहले से ही शक था। अरे ये किसी काबिल नहीं, सालों से इतना सा काम नहीं हुआ। अरे उल्लू के पट्ठो, पहले लॉटरी के टिकट को अपने कब्जे में लेते, उसके बाद अपना रंग दिखाते, जैसे अपना असली रंग अभी मैं दिखाने वाला। नहीं क्यों रो रहा है चौधरी? तेरे पापा की लॉटरी तो हमने ले ली, एक काम कर तू हम 5 की लॉटरी ले 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 ले। रामू काका वाले एक काम करो, नेकी करो, बच्चे को दरिया में डाल दो। जी मालिक। समझ गए ना? जी मालिक। ले जाओ। ये तुम लोगों ने क्या किया? अपने दोस्त को मार दिया? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, अभी पुलिस में खबर करता हूँ। भला हम जैसे शरीफ लोग किसी का खून कैसे कर सकते हैं? खून तो तूने किया है, तूने जा पकड़ ले, पकड़ ले। वो तो रामू काका को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे दरिया में फेंकने की बजाय अनाथ आश्रम में डाल दिया और मैं आनंद से राहुल बन गया। इस विक्रम ने इसने कई बार तुमसे कहा कि मैं आनंद हूं, लेकिन तुम लोगों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं तुम लोगों की तलाश में निकल पड़ा। मेरा सबसे पहला मोहरा था तेजपाल, उसका दिल जीतने के बाद मैं तुम लोगों के यहां नौकरी पर लग गया और 2 साल के अंदर अंदर मैं तुम्हारा खास आदमी बन गया। इसके बाद मैंने एक एक करके तुम लोगों का खून करना शुरू कर दिया। तुम हाँ नहीं।
तुम सपना को मारना चाहते थे ताकि वो तुम्हें पहचान ना सके। सपना को मैं नहीं मारना चाहता था, जावेद उसे मारना चाहता था। जावेद? जावेद क्यों मारना चाहता था? विक्रम तुम्हें याद होगा कि वैद्य जी का खून हो गया था, तुमने उसके एक आदमी को मार दिया था और दूसरा आदमी जावेद तक पहुंच गया था। जावेद को मैंने अपनी हिरासत में ले लिया और उसे टॉर्चर करने के बाद उसने बताया कि उसने तेजपाल का खून कर दिया है। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि क्योंकि तेजपाल का खून तो मैंने किया था। लेकिन एक आदमी का खून दो बार कैसे हो सकता है? दरअसल यही तो कंफ्यूजन था। जावेद भी जब तेजपाल को मार कर गया तो तेजपाल मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उसके इस अधूरे काम को मैंने पूरा किया। मैंने मैंने तेजपाल को मार डाला। लेकिन आखिर तक जावेद यही समझता रहा कि खूनी वो है, इसलिए वो सपना पर हमला करता रहा। और जब मैंने ये जान लिया कि जावेद को भी मेरा राज पता चल चुका है तो मैंने जावेद को भी अपने रास्ते से हटा दिया। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि सपना की जब आंखें ठीक हो जाएंगी वो कातिल को जरूर पहचान लेगी? डर तो था ऑफिसर, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी यकीन था कि भगवान मुझे अपने मकसद में कामयाब करेगा। तुम दोनों की डायलॉग बाजी खत्म हो गई। मिस्टर विक्रम, इन दोनों ने जो कहानी सुनाई है वो झूठी, बचकानी और मनगढ़ंत है। डैडी, आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे? बेटी, मैंने आप लोगों की सब बातें सुन ली है। जब विक्रम पहली बार घर आया था तो आपने ये कहा था कि दीनानाथ का बेटा सिद्धा तो नहीं, और उसको फिकवाने के लिए रामू काका से कहा समुद्र में फेंक दो। ये बात आपने सक्सेना जी से कही थी कि नहीं? कैसी बातें करती हो बेटी, कैसी बातें करती हो? मेरे कातिल होने का कोई सबूत नहीं है, जबकि राहुल के कातिल होने का एक एक सबूत मौजूद है। इंस्पेक्टर किरण, गिरफ्तार कर लीजिए इस कातिल को। कानून को अपने हाथ में ले लिया। मैंने अपने आप को कानून के हवाले भी तो कर दिया। राहुल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो।